ने अपनी मर्जी से अपनी सर ढकाई करवाई है। आदित्य ठाकुर के हाथों विक्रम ठाकुर मालक भी शामिल थे बोली में, लेकिन आदित्य ठाकुर ने सबसे ऊंची 20 लाख की बोली लाकर सुगनी को खरीद लिया। आज सुगनी आदित्य ठाकुर की बन के हवेली में। तुम क्या सच कह रहे हो? हाँ चंपा, सुगनी आज हवेली में लौट आई है। राथू ने बताया हमें कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम ऐसा मत कही, एक आप ही तो है जो सब कुछ जानती है, पूरा सच जानती है। आप तुम्हारी मदद ना करेंगे तो और कौन करेगा? नमक खाया है हमने इस हवेली का, अपने मालकों के खिलाफ जाकर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हनुमा एक बार, सिर्फ एक बार ही नौकर बन के ना, एक औरत बनकर सोचिए, एक माई बनकर सोचेंगे तो आपको पता लगेगा हमारी सुखनी किस परेशानी में, उसकी क्या पीड़ा है, बहुत चिंता होती है उसकी। अकेली है वो, कछु तो रास्ता होगा, कछु तो कर सकते हैं आप हमारी मदद के लिए। काय, जब आदित्य ठाकुर ने तुमसे बोला है ना कि उनके होते तुम्हारी मुड़ी पे कोई आंच ना आएगी, तो क्या तुम्हें आदित्य ठाकुर के वचन पे विश्वास नहीं है? ना ना, उन पर तो हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। पर धनुमा, समय बड़ा बलवान होता है, और इस वक्त हमारी सुगनी के साथ उसका समय ना है। आदित्य ठाकुर मालक बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन अगर उनकी अच्छाई उनकी कमजोरी बन गई तब? आदित्य ठाकुर मालक आखिर है तो विक्रम ठाकुर मालक का ही खून ना, अगर एक भांजी ने अपने मामा के आगे घुटने देख दिए तब हमारी सुगनी क्या करेगी? ना कुछ बोल पाएगी ना कर पाएगी। हम सिर्फ सुगनी के आस पास रहना चाहते, हमारा और कोई स्वार्थ ना। हम सीता मैया की सौगंध खा के कहते जिंदगी भर आपका कर्जा उतारते रहेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तुम्हें हमें वचन देना होगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी मोड़ी को इतने से ले जाओगी, इस हवेली से दूर ले जाओगी। हम भी तो यही चाहते हैं धनुमा, हम आपको वचन देते हैं, हम सुगनी को इतने से ले जाएंगे, इस हवेली से दूर ले जाएंगे, उसका साया भी कभी इस हवेली पर ना पड़ेगा।